आप सब 17 देशों से आए 44 इंटर्नशिप करने आए सभी अधिकारी और कर्मचारियों का मैं भारत की संसद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 17 देशों से आने वाले सभी नौजवान हैं, उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या के अंदर हैं, तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक अपनी अपनी डेमोक्रेसी संस्थाओं के अंदर लंबे समय तक सर्व करेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे। भारत लोकतंत्र की जननी है, इसलिए इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे पुराने इतिहास, हमारी परंपराएं हमेशा लोकतांत्रिक विचारों को मानती है। हमारे कई पुराने इतिहास और पुरातत्व को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें किस तरीके से लोकतांत्रिक विचारों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, आचरण, जीवन के अंदर उसके कारण डेमोक्रेसी हमारे मन विचारों में है। एक लंबे कालखंड के बाद 1947 के अंदर देश आजाद हुआ और उस समय हमारे नेताओं के अंदर ये मंथन हुआ कि हमें कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाना चाहिए और बड़े विचार विमर्श के बाद हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई और दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर अभी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है और उसके बाद भारत में एक संविधान बना। उस संविधान की लंबी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई, सभी नेताओं ने चर्चा संवाद अपने अनुभव और समाज के अंतिम व्यक्ति की न्याय, समानता, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और शासन कैसा हो इस बारे में विचार विमर्श हुआ और हम आज कह सकते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारी संसद, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के माध्यम से चलती है और संविधान के अंदर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुने पद्धति शासन करें, इसलिए एक लंबे समय तक इस 75 साल के अंदर 17 देश के चुनाव हुए, 300 हमारी स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए और जिस तरीके से सहज सत्ता का हस्तांतरण हुआ ये हमारे संविधान की ताकत है। मुझे आशा है कि आप यहां आए तो संविधान की डिबेट को भी देखेंगे, उसकी चर्चा को भी देखेंगे। समय कम है लेकिन विभिन्न देशों के लंबे समय तक आप लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम करते हैं तो सभी देशों के अंदर संविधान आपस में चर्चा संवाद से बना है। भारत के संविधान को देखने के बाद आपको लगेगा
कि भारत इतनी विशालता, इतनी बोलतवादा और इतनी विविधताएं, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, सबकी समता, सबको समान अधिकार, हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। और संविधान में हमारी संसदें कैसी होनी चाहिए, उसका कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में व्याख्या की है। संविधान में जब कभी संशोधन करने हो तो उसकी क्या नियम प्रक्रिया होगी, ये भी एक डिटेल में व्याख्या की गई है। मुझे आशा है कि आप 20 दिन तक यहां पर आपस में परस्पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, अपने अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र का कार्यक्रम, अपनी संसदों का कार्यक्रम, उस पर भी आप अनुभव साझा करेंगे, विचारों को साझा करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अपनी अपना देश एक जवाबदेही के साथ हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करें, इसका प्रयास आप करेंगे। हमारी प्राइड संस्था लगातार सभी देशों की संसद सदस्यों को, उनके अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण आयोजित करती है। प्राइड की एक विशेष प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं, अनुभवी लोगों को यहां पर बुलाया जाता है और उनके अनुभव, उनके विचारों को आपके साथ साझा करने का एक प्रयास किया जाता है। आप भी इतनी दूर से एक प्रतिभागी के रूप में इसलिए आए कि आप एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में अपने संसदीय कार्यक्रम को, कार्य पद्धति को, नियम प्रक्रियाओं को किस तरीके से बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। आप अपनी अपनी संसदों के अंदर माननीय संसद सदस्यों को एक सहयोगी के रूप में किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़े और उनको कार्य करने में जो कुछ भी हमारे पास संसाधन उपलब्धता है उसका उपयोग वो कर सके। और इसीलिए आप यहां पर इतनी दूर से आए, आप यहां हमारे सामने जो लाइब्रेरी उसको भी देखेंगे। और हमारी कोशिश है कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी लाइब्रेरियों का और हमारी भारत की लाइब्रेरी का एक कोलैबोरेशन हो, ताकि वहां की संसदीय परंपराएं, प्रथाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, वहां की डिबेट, चर्चा को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें। भारत के अंदर भी उच्च कोटि की चर्चा संवाद का स्तर है। यह हमने 75 साल के अंदर संसद के माध्यम से, चर्चा संवाद के माध्यम से बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया, और इसीलिए इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए हमारी नियम प्रक्रियाओं को
संसदों सदस्यों के अनुकूल हो, उनको चर्चा संवाद सहमति असहमति की पूर्ण स्वतंत्रता हो, एक व्यक्ति भी किसी बिल पर या किसी मोशन पर विरोध प्रकट करना हो तो उसको मत मांगने का अधिकार भारत की संसद के अंदर है। किसी भी माननीय सदस्यों को चर्चा संवाद में सहमति असहमति का अधिकार है और इसीलिए बहुमत से निर्णय होना, बहुमत से विधेयक पारित होना, विधेयक पर व्यापक चर्चा संवाद होना, ये हमारी संसद की बेस्ट परंपरा पद्धतियां हैं। आप विधि निर्माण की पद्धतियां परंपराओं को भी यहां देखेंगे, संविधान संशोधन के अंदर उनकी नियम प्रक्रियाओं को भी देखेंगे कि किस तरीके से संविधान संशोधन के अंदर पारदर्शिता हो। इसलिए दोनों सदनों के अंदर संविधान संशोधन में पूर्ण बहुमत होना चाहिए जिसके आधार पर संविधान संशोधन हो, और उस संविधान संशोधन के बाद भी हमारी न्यायपालिका भी इतनी सुदृढ़ है कि उसकी समीक्षा करने का उसको अधिकार है। इसलिए शासन में हमेशा पारदर्शिता रहनी चाहिए, जवाबदेही रहनी चाहिए, शासन जनता के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए, यह हमारी संसदीय परंपराओं का हिस्सा है। मुझे आशा है कि 20 दिन तक आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विविधताओं को देखेंगे, किस तरीके से हमारी अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग भोजन, अलग अलग हमारे ऐतिहासिक पुरातत्व संपदाएं, हमारा इतिहास, हमारी गौरवशाली परंपराएं, हमारा गौरवशाली इतिहास, ये सब आपको विभिन्न जगह जाने पर अनुभव होगा। मुझे लगता है कि प्राइड ने कार्यक्रम बनाया होगा आपके विजिट का भी, तो वहां पर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस अनुभव का लाभ मिलेगा। और 20 दिन तक जब 17 देशों के लोग एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से अपने अपने देशों के कार्यक्रम पर चर्चा होती है, संवाद होती है, और उसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको आप सीख कर जाएंगे, अनुभव करके जाएंगे और अपने अपने संसदों के अंदर अपनी संसदीय व्यवस्थाएं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उस कार्यक्रम को श्रेष्ठता से कर पाएंगे। इसलिए जीवन में शिक्षण प्रशिक्षण लगातार प्रक्रिया है। भारत में हमारा मानना है कि कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, कितना भी अनुभवी व्यक्ति हो, शिक्षा और प्रशिक्षण हमेशा अधूरा है। हर व्यक्ति को सीखने का, नए अनुभव करने का, नया ज्ञान अर्जित करने का हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब 20 दिन तक आप कुछ चर्चा संवाद में यहां से कुछ सीखेंगे, अपने देश की बेस्ट प्रैक्टिस का पेपर भी हमें देके जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके अनुभव का लाभ भारत की संसद ले, हमारे कर्मचारी आपके यहां जो सिस्टम कार्य होते हैं उसको एडॉप्ट करें। ये सब प्रशिक्षण में हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आपको भारत की संसद में पुनः मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।